गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू शांतिकुंज ऑनलाइन क्लासेस। टुडे इज आर मॉरल वैल्यू क्लासेस, सो लेट्स स्टार्ट आर क्लासेस। इन आवर क्लासेस वी आर टॉकिंग अबाउट लेसन 9, बी डिवोटेड। सो लेट्स कंटिन्यू दिस। सो स्टूडेंट ओपन योर बुक। तो स्टूडेंट्स आपने बुक निकाल ली अपनी, लेसन नंबर 9, बी डिवोटेड, एंड पेज नंबर है 41। ठीक है, तो आपको याद होगा बच्चों, ये लेसन मैंने आपको अच्छे से रीडिंग करवा दी थी, याद है ना आपको? ये एकलव्य की स्टोरी है, हम लोग ये पढ़ चुके थे, आपको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट भी कर दी थी, अच्छी तरह समझा दी थी कि किस प्रकार एकलव्य धनुधारी बनना चाहता था और द्रोणाचार्य शिक्षा लेना चाहता था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं तुम्हें शिष्य बना नहीं सकता हूँ, तो उसने फिर भी सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अपना धनुविद्या जारी रखूँगा, और इसके लिए उसने क्या किया, एक मिट्टी का स्टैचू बनाया, किसका, द्रोणाचार्य का, और उनके सामने वो डेली प्रैक्टिस करने लगा, और इस प्रकार से वो बहुत अच्छा धनुधारी बन भी गया, उसने अच्छी शिक्षा भी ले ली। एक दिन जब द्रोणाचार्य से देखा कि एक कुत्ते के मुंह में एक के बाद 7 तीर पड़े, लेकिन उसे खून भी निकला, पर उन्हें जान के आश्चर्य हुआ कि यह सब किसने किया, यह सब एकलव्य के द्वारा किया गया। उन्होंने पूछा कि तुमने यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया, तो उसने कहा कि सर मैंने आप ही को देख के, आप ही को गुरु मानकर यह ज्ञान प्राप्त किया है। तो द्रोणाचार्य ने क्या किया, कहा कि अगर मैंने तुमको शिक्षा दी, तुमने मेरे घर का शिष्य हो, तो मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में अपने राइट हैंड का अंगूठा दे दो। तो गुरु द्रोणाचार्य की बात सुनकर एकलव्य ने अपना बिना सोचे बिना समझे तुरंत ही अपना अंगूठा काट के दे दिया। तो इस प्रकार से बच्चों हमें ये दिखाई दिया कि इस कहानी पता लगा कि एकलव्य अपने कार्य को लेकर अपने शिक्षक के गुरु के प्रति कितना समर्पित था और उनकी बात को किस तरह से उसने समझ में आया। तो हमने कहानी पढ़ ली थी स्टूडेंट्स, और अब इसकी एक्सरसाइज की बारी है। तो एक्सरसाइज सबसे पहले देखिए है क्वेश्चन आंसर। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन आंसर करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हु वॉज एकलव्य, वॉट डिड ही वॉन्ट। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, एकलव्य वॉज भील चाइल्ड, ही वॉन्टेड टू लर्न आर्चरी फ्रॉम अ गुड टीचर। ऑलराइट, फिर वह हु वॉज द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य वॉज द रिनाउंड टीचर ऑफ आर्चरी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट डिड एकलव्य आस्क टू द्रोणा, एकलव्य आस्क टू द्रोणा दैट टेक मी एज योर डिसिप्लिन एंड टीच मी आर्चरी। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई डिड द्रोणाचार्य रेफ्यूज हिम, द्रोणाचार्य रेफ्यूज हिम बिकॉज ही टीच ओनली रॉयल स्टूडेंट्स। फिफ्थ है, हाउ डिड एकलव्य लर्न आर्चरी, एकलव्य लर्न आर्चरी बाय हिज ही मेड अ क्ले स्टैचू ऑफ द्रोणाचार्य एंड प्रैक्टिस्ड एवरी डे। ऑल राइट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर अमेज एंड वाई, द्रोणा एंड हिज डिसिपल्स वर अमेज, दे वर अमेज टू सी द डॉग विद एरोज। ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिज गुरु द्रोणा आस्क टू एकलव्य एंड व्हाई, गुरु द्रोणा सेड टू एकलव्य, इफ आई एम योर टीचर गिव मी माई गुरु दक्षिणा एंड गिव मी योर राइट हैंड थंब एज माई गुरु दक्षिणा। ऑलराइट, तो बच्चों हमारे क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर मैंने आपको करवा दिया, ये हो गया पूरा। उसके बाद देखिए फिल द ब्लैंक्स है, फिल द ब्लैंक्स आपके लेसन में से ही है, आप जो लेसन ये पढ़ा है रीडिंग किया है इसी में से देख के आप लोग फिलअप कर लीजिएगा, बहुत ईजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपने ध्यान से लेसन पढ़ा है तो आपको पता है ये लाइन कहाँ पर यूज़ हुई है, उसके अकॉर्डिंग ही आप इसको फिलअप कर लीजिएगा। ऑल राइट, और मैंने आपको ये होमवर्क भी दिया था, ये आपको कि नंबर द इवेंट्स, इसमें इवेंट्स कौन से पहले इवेंट्स हुए, उसके बाद कौन सा इवेंट्स हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसको नंबर्स देने हैं। ठीक है, तो ये आपने होमवर्क कर ही लिया होगा, कर लिया है ना, तो आप क्वेश्चन आंसर्स भी कर लीजिए एंड फिल द ब्लैंक्स भी कर लीजिए, इससे हमारा लेसन फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी कहानी है, बहुत बढ़िया कहानी है, आप अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को भी सुना सकते हैं, बहुत डिवोटेड, बहुत एजुकेशनल स्टोरी है, बहुत लेसन देने वाली है, इससे हम सबको, आप सबको सीखना चाहिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही, हमारा लेसन फिनिश हो गया है। नेक्स्ट क्लास में मैं मिलूंगी आपको नए लेसन के साथ में, तब तक आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करिए और होमवर्क कंप्लीट करिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।